चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम लोग जीव विज्ञान में। इसमें पादप अनुवांशिकी के बारे में, ठीक है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने। वंशागति की इकाई क्या है? जीन। मेंडल ने किस पौधे पर संक्रमण प्रयोग किया था? गार्डन पी। बारबेरा मैकलिन टॉप किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। गेगर मेंडल किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? अनुवांशिकता के नियम। मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम क्या संबंध स्थापित करते हैं? पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविकता अप्रभावित। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? इसमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित है थे। मेंडल के नियमों का एक अपवाद कौन सा है? सहलग्नता। मोनोहाइब्रिड अनुपात क्या होता है? 3:1। जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए के। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय क्या है? एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। किसके द्वारा अनुवांशिकी ता की के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? वॉटसन। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता और पैतृक गुणों का संचरण। मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन। डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। बीटी बैगन क्या है? अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तत्व क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता। बात करते हैं हम लोग अब बात करते हैं हम लोग पृथक्करण का नियम। पित्तपीढ़ी, लंबा पौधा शुद्ध, ठीक है, बौना पौधा शुद्ध। फिर होता है परपरागण। प्रथम संतानीय पीढ़ी F2, सभी लंबे पौधे 100 परागण। फिर द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2, 75% लंबे पौधे 100 परागण, 25% बौने पौधे 100 परागण, ठीक है। तृतीय पीढ़ी आती है संतानीय पीढ़ी F1, F3। F2 पीढ़ी के 1/3 से केवल लंबे पौधे उत्पन्न। 2/3 पौधों से 3:1 के अनुपात में लंबे व बौने पौधे प्राप्त, केवल बौने प्राप्त, ठीक। तो चलिए, ये थी हमारा 8वां पादप अनुवांशिकी के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो बन सकते थे वो सब। आगे हम लोग बात करेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में।